मादा अपनी पूंछ हिलाकर नर को आकर्षित करती है। नर भी पंजों से अपनी गर्दन सहलाकर संभोग करने का प्रस्ताव रखता है। नर धीरे धीरे मादा की तरफ बढ़कर उसके करीब पहुंच जाता है। अब प्यार का एक बहुत ही अद्भुत खेल शुरू होने जा रहा है, जिससे पूरा जंगल प्यार के रंग में सराबोर हो जाएगा। क्या करें, मौसम ही ऐसा है, लौड़े का मौसम है। इनका सही है ना भैया, ना कोई प्लानिंग ना परफॉर्मेंस प्रेशर, बस दो मिलाया और शुरू। यहाँ हम लोग तो ऐसा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो, हैं? दो मिलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, मैं पढ़ता हूँ। आज ग्रुप स्टडीज के लिए बुलाया भी है तान्या को। बेटा एक बात बताओ, जे ग्रुप स्टडी में ग्रुप भी तो होता है, है? आ गई हो तो ऐसी हो। हाय भाई, ये कौन है? भैया के दोस्त हैं, बॉम्बे आए थे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी और लड़के के साथ गोवा चली गई। तब से ही बैठे रहते हैं बाबूजी की तरह, एनिमल प्लैनेट देखा करते हैं और जानवरों के एक्शंस। ए, ए क्या तुतुल पुतुल? कुछ नहीं भैया, मैं इनको ये बता रहा था कि ए प्लस बी जब ब्रैकेट में मिलते हैं तो 2A भी बनता है। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं अंदर चल के। अंदर क्यों? अरे यहाँ पढ़ाई करो भाई, कितनी लाइट है यहाँ पे। अरे नहीं भैया, लाइट यहाँ की सीधे आके आंखों में लगती है। लगती ही नहीं लगती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अंदर पढ़ेंगे आराम से लाइट बंद करके। आ जाओ। हाँ पढ़ो लाइट बंद करके। लाइट बंद करके? अबे चलो सिलेबस बहुत है। सिलेबस बहुत भैया। इधर आओ ना। यार करना क्या होता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। एसी ऑन कर देता हूँ। हाँ गर्मी बहुत है, 20 पे कर देना। नहीं कर सकता। क्यों? 1 स्टार है, बिल बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अभी कंप्रेसर उठेगा ना तो ठंडा कर देगा। अभी इधर आना। हाँ। वैसे हम कितने दिनों से मिलने का प्लान कर रहे थे ना, फाइनली आज मिलना हो गया। वाह। क्या हुआ? नहीं वो शुगर लो गई है, मैं चीनी खा के आता हूँ। ओके? आता हूँ मैं। क्या हुआ, सिलेबस देख के पसीने छूट गए? नहीं भैया, वो आउट ऑफ कोर्स था इसलिए। भैया वो गाइडेंस मिल नहीं, कोई बात ही नहीं मिलेगा घर, कोई दिक्कत। देख मन लगा के पढ़ाई कर, है ना, और परफॉर्मेंस प्रेशर लेने का ही नहीं, लेने का है ना, लेने का ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेने का। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये पढ़ाई पहली बार कर रहे हो या इससे पहले भी? नहीं भैया, इससे पहले तो मैं सच कहूंगा आपसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली हैं। छे 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 छे, अबे उसने बहुत गलत दिखाते हैं, इतना लंबा लेक्चर थोड़ा चलता है, अबे मिनटों में खत्म हो जाता है, कभी कभी तो 5-6 सेकंड्स में ही। अरे मतलब सुन, तू अपना तरीका सोच सकता है, ट्राई योर ओन मेथड, एकदम अप्रोच सिंपल और एकदम स्ट्रेट रख, एकदम सीधा निशाने पे, समझ रहा है? यस, अपना ट्राई, अपना ट्राई करूंगा। गुड, फाड़ूंगा। वेरी गुड, सही, चलता हूं भैया। हाँ अच्छा सुन, स्टेशनरी रख लिया है या? अरे नहीं भैया, कमाल करने नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं भैया, क्या कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं अच्छा भैया दे दीजिए, इमरजेंसी वगैरह में शायद जरूरत पड़ जाए तो। जंगली बिल्ली सिर्फ यंग एंड वाइल्ड लोगों के लिए है, ये समझ रहा है? उसका स्लोगन भी है,
जंगली बिल्ली काटेगी क्या? सॉरी, तुम डर गए क्या? नहीं डरा नहीं, बस फट गई थी थोड़ी। वैसे तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें इतना मिस किया। अब डायग्राम बनाना है तो ज्योमेट्री बॉक्स तो होना चाहिए ना, वही लेने गया था। वैसे पेंसिल तो शार्प है ना, कहीं पता चले पेपर पे चले ही ना। I was just kidding. Oh. वैसे एक बात बताओ, मेरे लिए और क्या क्या सरप्राइजेज है? I'm very excited to know that. सरप्राइजेज बहुत से सरप्राइजेज है तुम्हारे लिए, बहुत सारे सरप्राइजेज है। हाँ लेकिन बाहर है, तुम दो मिनट रुको मैं आता हूँ लेके। और कुंडल अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। थैंक यू। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? बिना तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुमको पता है ना ये बात। अब कौन गुड मॉर्निंग करेगा, गुड नाइट करेगा, कौन मुझसे तेल लगाने के लिए पूछेगा? भैया रोने से कोई फायदा नहीं है, आप क्यों रो रही हो मेरे सामने? जब जब टाइम था तब तो चली गई ना तुम। हाँ तो जाओ। हाँ छोटे बोल। भैया थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट के बारे में बात कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, हम प्रबंध करते हैं। इंटरेस्टिंग, ये गिफ्ट मैंने उस लड़की के लिए लिया था जो अभी किसी और के साथ कंबाइंड स्टडीज कर रही है। बट कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोनों फेल हो गए। टिट्स फॉर टैट। ये फूल मैंने उस फूल जैसी टॉपर के लिए लिया था जिसका माली एक बैक बेंचर बन गया और उसके बाद उसकी पूरी बगिया उजाड़ दी। भैया ये कार्ड पिंक वाला, ये तो किसी अंदर का लगता है। ये कार्ड, ये कार्ड लड़कियों को कभी प्यार समझ में ही नहीं आया। आई हेट यू बीना, आई हेट यू, आई हेट यू। छोड़ दो भैया, ठीक है भैया, आई एम ओके, आई एम ओके। पानी लाऊं आपके लिए? दीस गर्ल्स। एक काम करो, पूरा डब्बा ही ले जाओ। हाँ, और पढ़ाई शुरू करने से पहले दे देना जी। उसके बाद क्या है कि अगर कोई सवाल नहीं भी सॉल्व कर पाए ना बीच में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भैया लेकिन इसमें हथकड़ी, हंटर और कुत्ते का पट्टा भी है, वो भी आपके साइज का है। ये बेटा क्या है कि वो हायर स्टडीज का मटेरियल भी साथ में आ गया। इसको रख दो उधर, अब ले जाओ, अब ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा क्या बात करिए। अरे नो 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 नो, चल ठीक ठीक है, मैं बाद में बात करती हूं। शोलो बॉयज हियर। बेबी लिसन ना, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पंगा हो गया। क्या क्या क्या, क्यों क्यों क्या, 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 क्या मैं बाद में बताऊंगी। नहीं नहीं, हां हम दोबारा मिलेंगे। नहीं अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो। लेकिन बेबी प्लीज मुझे गालियां मत दो, मैं तुम्हारे पैरों में अपनी नाक रगड़ता हूं। अरे बेबी क्यों जा रही हो? हां तो फिर गेट आउट। ये क्या मतलब है, आज कॉल करूंगी कल कॉल करूंगी? मेरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो है कि नहीं? है ना, मत फोन क्या कर रहा है मुझे। अरे बीबी क्यों जा रही हो? है? जा रही है कहाँ जा रही हो? अबे अभी तो आई पगली, जा कहाँ रही हो? वो हुआ क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में गई थी ग्रुप स्टडी करने के लिए। वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड वाले आ गए और सारी पर्चियां पकड़ी। अरे रे, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस मम्मी को पता चल गया और अब उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और मुझे जाना पड़ेगा। सी यू गाइस। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो बीबी, बहुत खर्चा किया बीबी, रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। इस लौंडे की किस्मत भी गधे के, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी खुद उसी से लिखी। बेबी क्रॉस कनेक्शन हो गया था बेबी, माफ कर दो बेबी, गलती हो गई। अच्छा माफ कर दोगी? अच्छा गोवा आने के बाद। अरे बेबी आई लव यू सो मच, मैं अभी तुम्हारा 125 का टॉपअप करवाता हूँ। कट गया चूतिया, वावा ऊपर वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें आरबीसी जी को। और भैया आपके बल्ले बहुत अच्छे हैं। बीना तेल लगाओ जरा, बीना।